माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो। जिस तरह से कांवड़ यात्रा के रूट पर ढाबा मालिकों को, होटल संचालकों को जिस तरह से नेम प्लेट लगाने के लिए पुलिसिया दबाव के जरिए जो फरमान जारी किया गया था, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी और सरकारों को नोटिस जारी किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश में जो मोहब्बत की दुकान खुली है राहुल गांधी जी के जरिए, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने अपने राज्यों में ऐसे मनमाने फैसले लेकर के आ रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से संविधान की किताब को सर्वोपरि रखा है। ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा, कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार से लेकर के बाकी जगहों तक जगह जगह हिंदू मुसलमान एकजुट होकर के स्वागत करते हैं यात्रा का, मुस्लिम भाई कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं। इस सरकार ने इस गंगा जमुनी तहजीब को बांटने की जो कोशिश की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे बेनकाब किया है। शुक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय।